दूसरे पारे का खुलासा क्या है? दूसरा पारा जो शुरू हो रहा है ये तहवील किबला से, सयकूल सुफहाउ मिनन नास मा वल्लाहु, ये अल्लाह ताला ने तहवील किबला, किबला की डायरेक्शन की चेंजिंग की बात फरमाई है। क्या मतलब, ये क्या मामला था? हुजरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह काबतुल्लाह शरीफ तरफ करने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी मदीना में जाकर, हालांकि उस वक्त बैतुल मुकद्दस किबला था जो पाकिस्तान में शुमाल की साइड है, मस्जिद अक्सा फलस्तीन। दुआ फरमाए अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह इसराइल को तबाह और बर्बाद फरमाए, बहुत मजलूम है, और मुस्लिम हुक्मरानों को अल्लाह गैरत और होश के नाखून अता फरमाए कि मुसलमान का दर्द हम महसूस करें। पहले इस तरफ किबला था तो हुजूर उधर मुंह फरमाते थे, 16-17 महीने उधर मुंह की, दिल में आता या अल्लाह बैतुल्लाह हो जाए। तो एक दिन बनू हारसा की मस्जिद में हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं कि आयत उतरी कि आप बैतुल्लाह की तरफ मुंह फरमाएं, हुजूर ने मुंह फरमा लिया, सहाबा ने मुंह कर लिया, तो आज तक बैतुल्लाह की तरफ मुंह है। यहूदियों ने एतराज करना शुरू कर दिया, वो कहने लगे मा वल्लाहु मन किबलतहिम अल्लती कानू अलैहा, क्यों चेंजिंग की है, क्या जरूरत है? तो रब्बे करीम ने इनको जवाब दिया, फरमाया कुल लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, अल्लाह मशरक का कह दे मगरब का कह दे, ये रब्बे करीम का मामला है, तुम्हें इसे क्या लेना देना, या तो तुम मुसलमान बनो और फिर इस्लाम के अंदरूनी मामलात में बात करो, जब तुम बाउंड्री ऑफ इस्लाम में एंट्री नहीं हो तो तुम्हें ऑब्जेक्शन की क्या जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया और पूरी तरतीब पे फरमाया कि जो पहले किबला दिया था वो भी हमारा हुक्म था, ये जो बैतुल्लाह की तरफ मुंह कराया है ये भी हमारा हुक्म है। अच्छा, जो पहले किबला कराए थे बैतुल मुकद्दस की तरफ, अल्लाह फरमाते हैं वो हमारा हुक्म है, हालांकि पूरे कुरान में वो हुक्म की आयत नहीं है। तो वो हुक्म कहाँ उतरा था? वो हुक्म हदीस में उतरा था। तो अल्लाह ने हदीस के हुक्म को भी अपना हुक्म बयान फरमाया, ये अथॉरिटी ऑफ सुन्नत जिसे कहते हैं, हुज्जियत हदीस, ये भी कुरान करीम के दूसरे पारे के पहले सफ़े समझ आती है। इससे आगे चलें तो अल्लाह ताला ने शहीद की बात फरमाई है। शहीद कौन है? वला तक़ूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात में अल्लाह ने शहीद की मौत, शहीद के खून के बारे में फरमाया, जिसको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने अपने शेर में एक ही लफ्ज़ में समझाया है कि शहीद का जो खून है वो कौम की ज़कात है और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात। तो ये शहादत मरना नहीं है बल्कि हमेशा के लिए जिंदा और ताबीदा हो जाना है। तो ये इरशाद फरमाया और फरमाया जो मर जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, कत्ल हो जाते हैं, इन्हें मुर्दा ना कहना बल्कि जिंदा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां इनको रिज्क मिलता है, इस चीज का तुम्हें शऊर नहीं है, यानी हम उसको समझ नहीं सकते, बस उस पर ईमान रखें, इस पर बहस नहीं करनी चाहिए, यह बयान फरमाया। उसके बाद इन सफा वल मरवा में, सफा और मरवा मक्का मुकर्रमा की दो पहाड़ियों का जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला आपको हरमैन शरीफैन का सफर अता फरमाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें ले जाए। तो जब आप बैतुल्ला शरीफ जाएंगे, अहाता मस्जिद हराम में दोनों पहाड़ियां आज भी मौजूद हैं, एक सफा है और एक मरवा है। सफा पहाड़ी से सई दौड़ना शुरू होता है, मरवा पहाड़ी पर दौड़ना ख़त्म होता है, ये इसके साथ चक्कर है। जो हजरात गए हैं वो इससे बखूबी वाकिफ़ है। जब तक बंदा नहीं गया तो उसको समझ नहीं आता, और जब बंदा हो के आता है तो उलमा ने लिखा है कि पहले तरसना होता है फिर तड़पना होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। तो सफ़ा और मरवा के बारे में रब ने फरमाया इन सफ़ा वल मरवा तमिन शाइरिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक जो है ना क्या कहते हैं मोहतरम और इज्जत वाले मकाम है। ये क्यों फरमाया, वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये दोनों पहाड़ियाँ वो हैं जिसमें हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ी थी अपने बच्चे हज़रत इस्माईल के पानी के लिए, इसकी एक तफसील है। तो जहाँ वो दौड़ी थी तो अल्लाह ताला ने उमरे और मोतमिर और हाजी के लिए लाजमी करार दे दिया है, लेकिन मसला ये था कि इस बुत इन पहाड़ों के ऊपर काफिर बुत रखते थे, तो जो बुत रखते थे तो अब साहब अकरम परेशान हो गए, काफिर तो उधर बुत रखते थे, हम इसका तवाफ और मामला सही कैसे करें? तो अल्लाह ने फरमाया बुत हटा दिए गए, तो मान लिया कोई हर्ज नहीं है, आप सफर यहाँ सही कर सकते हैं। यहाँ एक चीज हुई थी, एक का नाम था सियाफ, एक का नाम था नायला, नायला लड़की थी, सियाफ लड़का था, इन्होंने मुंह काला किया था यहाँ पर, तो दोनों बुत बन गए थे बिल्कुल पत्थर की तरह इन्हीं पहाड़ों पे। तो इस पर भी लोग जो है ना झिझक रखते थे कि यार ऐसी जगहों में कहाँ जाए, तो रब्बे करीम ने फरमाया कि जिसने गुनाह किया वो पकड़ा गया, जब तुम नेकी के लिए आओगे तो तुम्हें अजर मिलेगा, तो इसलिए सफा मरवा की बात फरमाई। इससे आगे अल्लाह ताला ने चार चीजों की हुरमत की बात फरमाई है, सफा मरवा के हुक्म को जाकर आगे। ये जो है इन्नमा हर्रम अलैकुम अल्मैता वद्दम वलहम अलखंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, फरमाए चार चीज़ें हराम हैं। बहने वाला खून, यानी जानवर हलाल को जब हम ज़बह करते हैं तो उससे जो खून निकल रहा होता है बहने वाला, दम मसफू, ये हराम है। अगर ये कपड़ों पे लग गया तो इसको धोना पड़ेगा। हाँ, उसके अंदर बोटी बनाते वक्त कोई खून की छींट आ गई, उसको हम हराम नहीं समझते, अल्लाह ने उसको हराम नहीं फरमाया। दूसरा खंजीर को हराम फरमाया, और तीसरा उस जानवर को रब्बे करीम ने हराम फरमाया जिसके ऊपर गैरुल्लाह का
नाम लिया गया हो कि अल्लाह के लिए ज़बह नहीं हो रहा, बुध के लिए ज़बह हो रहा है, गैरुल्लाह के लिए ज़बह हो रहा है, तो जो ज़बह है वो सिर्फ अल्लाह के लिए। जान किसी जानवर की लेनी है हलाल की तो अल्लाह के नाम पर लेनी है, इसलिए बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर है। अगर अल्लाह का नाम नहीं होगा तो वो हराम है। और फिर अल्लाह ने मुर्दार की बात फरमाई। अब तवज्जो रख लें, पहला हराम मुर्दार है यानी जो खुद मर जाए, दूसरा दमे मसफू है, तीसरा खंजीर है, और चौथा वो हलाल जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। तो ये चौथे दर्जे का हराम है जो खंजीर से भी आ गया है, मुर्दार से भी आ गया है, और बहते हुए खून से भी आ गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जानवर हलाल है, भाई हलाल जरूर है लेकिन आपने इसको गैरुल्लाह के लिए ज़बह किया है, तकर्रुब गैरुल्लाह है तो अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो उस हलाल जानवर को भी हलाल नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। इससे आगे आए तो वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, अभी आपसे पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में उस वक्त एक सवाल आया कि यहाँ अल्लाह फरमाते हैं वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब कि तुम्हारे लिए रब्बे करीम ने इसमें ज़िंदगी रख दी है, कि ये जिंदगी है जो वो होगा क्या कहते हैं किसास होगा। अब सवाल उठते हैं किसास पे तो बंदा कत्ल होता है तो जिंदगी कैसे है, एक बंदा किसी को मार दे कत्ल कर दे तो कत्ल करने वाला दूसरे कत्ल कर रहा है फिर खुद भी कत्ल हो रहा है तो दो बंदे मर रहे हैं तो इसमें जिंदगी कैसी है। रब तो फरमाते हैं इसमें जिंदगी है, तो मुराद ये है कि अगर किसास कहीं हो जाएगा ना तो जिसको पता चलेगा कि मारने वाले को जो मार देते हैं तो वो नहीं मारेगा, मुआशरे में अमन होगा तो न कातिल मरेगा न मकतूल मरेगा, तो ये हयात है। इसीलिए सजाओं को जो शरई सजाएं हैं उनका नाफिज करना हो जाए तो उसके बाद जुर्म खत्म हो जाता है। इससे आगे अल्लाह ताला ने वसीयत की बात फरमाई है, ये जो रब फरमाते हैं कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौत, ये जो अल्लाह ने वसीयत की बात फरमाई है इससे समझ आता है कि वसीयत हर बंदे पर करना वफात के वक्त लाजमी है। लेकिन ये आयत पहले की है, बाद में आयत उतरी है सूरत निसा में जिसमें अल्लाह ने वरासा के हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, तो इसलिए इस आयत का हुक्म बाकी नहीं रहा, इसलिए वसीयत करना फर्ज नहीं रही। इससे आगे अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम की बात फरमाई है रोजे की, तो रोजे से पता चलता है कि पिछली उम्मतों पे भी रोजे थे, हम पे भी रोजे हैं, उनमें एक फर्क है। पिछली उम्मतों के हर कमरी महीने की 13, 14, 15 तारीख को रोजा था और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने जो रोजे अता फरमाए हैं वो रोजे उनके पूरा साल चलते थे, एक महीना में 3-3 दिन, तो अल्लाह ने वो इकट्ठे करके हमें एक महीने में अता फरमाए। अब हदीस पाक में जो एक महीना रोजे रखे तो और 6 रोजे शव्वाल में रखे यानी ईद वाले महीने में, चाहे अलग अलग रख ले शव्वाल में तो उसे पूरे साल के रोजों को सवाब मिलेगा। क्यों? ये तो 36 रोजे बने, 30 रमजान के और 6 शव्वाल के, तो साल में तो 360 दिन होते हैं। तो रब्बे करीम ने जवाब दिया कि पिछली उम्मतों को 360 दिनों में 36 रोजे होते थे, पूरे साल 3-3 चलते थे, तुम्हें वो पूरे साल का इकट्ठा करके दे दिया गया है तो ये सवाब है। और फिर दूसरी कुरान की आयत है कि तुम एक नेकी करो तो 10 का बदला मिलेगा, तो 360 बदला में मिलेगा 36 रोजों का, तो 360 दिन कमरी साल के होते हैं, 365 दिन ये शमसी साल के होते हैं, तो कमरी साल के हिसाब से पूरे साल के रोजों का सवाब मिलेगा अगर रमजान भी रख लें और शव्वाल भी रख लें। इससे आगे आए तो अल्लाह ताला ने शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान की बात फरमाई कि रमज़ानुल मुबारक वो मुकद्दस महीना है जिस महीना में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल किया है। आज हमारी यहाँ कुरान की तफसीर की गुफ्तगू की बैठक की वजह भी शायद ये आया था। आज सुबह हम बात कर रहे थे कि देखो अल्लाह ने रमज़ान और कुरान को इकट्ठा जोड़ा है, तो इसलिए बेहतर है कि हम कुरान सुनते हैं तो किसी माहिर से उसका तर्जमा और तफसीर भी बंदा पढ़ ले तो ताकि समझ आए कि हम क्या सुन रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने रमज़ान और कुरान को इकट्ठा जोड़ दिया है, तो इसलिए इससे बेहतर है। और यहाँ पर जाके फिर अल्लाह ने आगे वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद में एतिकाफ़ बयान फरमाया। ये जो एतिकाफ़ का मसला है ये भी समझ जाएँ, एतिकाफ़ मस्जिद में है मर्द के लिए, औरत के घर में है। मस्जिद में जो एतिकाफ़ है रोज़े के साथ एतिकाफ़ होगा तो वो एतिकाफ मसनून है, कोई बगैर रोजे के एतिकाफ है तो वो नफली एतिकाफ है, वरना 10 रातें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां एतिकाफ में बैठे हैं तो इसका बहुत बड़ा अजर और सवाब है, इसका जिक्र फरमाया। इससे आगे यसअलूनका अनिल अहिल्ला में अल्लाह ने चांद के महीनों की बात की है कि चांद के एतबार से महीना क्या होता है, तो पता चला रमज़ान हो या हज का मामला हो या इसी तरह बाकी इद्दत के मामलात हों तो ये चीज़ें इस्लामी महीनों में चांद के एतबार से देखी जाती हैं, तो अल्लाह ने इसीलिए इसकी बात फरमाई। आगे वक़ातुलु फ़ी सबीलिल्लाह में अल्लाह ने क़िताल की बात फरमाई है, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह ये नमाज की तरह फ़र्ज़ है जब फ़र्ज़ हो, तो इसीलिए फ़र्ज़ियत पर मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा में 10 साल गुजारे हैं और उसमें जिहाद फ़र्ज़ हुआ, तो हुज़ूर पाक के 27 जिहाद के सफ़र हैं,
तो 10 साल पर 27 ये तकसीम करें तो जवाब आते हैं हर 4 महीने बाद हुजूर का एक जिहादी सफर है। तो जिहादी सफर नबी पाक ने किया। अब सवाल उठता है जिहाद की क्या जरूरत है। जिहाद की 2 जरूरतें हैं। नंबर 1, काफिर अगर इस्लाम के मुकाबले में ताकतवर और वो इस्लाम को गिराए तो कुफर की शौकत को तोड़ना चाहिए। और दूसरा क्या मामला है, दूसरा ये है कि अगर काफिर मुसलमानों पर जुल्म करे तो उनका जवाब देने वाला भी तो कोई हो, तो इसलिए जिहाद फी सबीलिल्लाह जरूरी है। इसको आप यूं नहीं कह सकते कि खून निकल रहा है, मरना हो रहा है तो गलत है। देखें बाज़ों का खून निकालना जरूरी है। अगर उंगली में अल्लाह न करे कैंसर हो जाए तो जिस उंगली और हाथ की हम हिफाजत करते हैं पैसे देकर फिर उसको कटवाते हैं, सर्जन को कहकर ये ऑपरेट करें काट दें, क्यों? ये पूरे जिस्म के लिए दर्द सर बन जाएगा। तो इसीलिए उस कुफर की शौकत को तोड़ना जरूरी है जो पूरे आलम इस्लाम के लिए दर्द सर बन जाए। और इसके आगे अल्लाह ताला ने हज की बात फरमाई, अल हज अशहरुम मालूमात, ये तकरीबन आधा पारा हो रहा है, दूसरा पारा। यहाँ हज की बात फरमाई तो हज में 1-2 बातें समझ लें। हज में अल्लाह ताला ने 5 दिनों की बात फरमाई है, 5 मकामात की बात फरमाई है और अल्लाह ताला ने 7 इबादतों की बात फरमाई है। ये जो हज है 5 दिन है, 5 मकाम है और 7 इबादतें हैं हज की। ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लाह ताला ने जो 5 दिन मुकर्रर फरमाए हैं, 8वीं ज़िलहज्जा, 9वीं ज़िलहज्जा, 10वीं ज़िलहज्जा, 11वीं ज़िलहज्जा और 12वीं ज़िलहज्जा, ये अय्याम हज हैं। अय्याम हज यौम तरवीहा 8 ज़िलहज्जा से शुरू हो जाते हैं और 8 ज़िलहज्जा को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मिना का सफ़र फरमाया है। अल्लाह ताला आप सबको हज की सआदत अता फरमाए। मैं हज पढ़ता था कि हज होता है, पढ़ते पढ़ाते थे, जिस दिन यौम तरविया में हम मिना जाने लगे ना हज के सफर में, मैं अल्लाह की कसम उठाऊं तो मैं हालिस नहीं हूं, उस दिन समझ आ गया कि हज की कैफियत होती क्या है। पढ़ना पढ़ाना किसे कहते हैं और हज में चलना किसे कहते हैं। पूरी जिंदगी की बंदा दौलत लगा लेना लेकिन नौजुल हज्जा की जो कैफियत मैदान अरफात में मिलती है, शायद वो सौदा सस्ता है कि अगर पूरी जिंदगी की पूंजी लग जाए लेकिन वो कैफियत मिले जहां समझ आ रहा होता है कि रब्बे करीम की रहमत क्या है। 65 सेंटीग्रेड से ऊपर की गर्मी होती है लेकिन हाजी के इश्क और इस्तकामत उसको मात दे जाते हैं। यकीन माने मैं वहां देख रहा होता हूं, कितने अरसे से रब्बे करीम ने एक मौका अता फरमाया, मैं इसको बयान नहीं कर सकता आपके सामने, ये फीलिंग्स है। आपको मैं कहूँ ना चीनी और आम के मीठे का फर्क बयान करें, आप कहेंगे बयान नहीं कर सकते, खा के देख लो। तो हज और उमरे की जो कैफियत का फर्क है ना, वो आप करके देखेंगे तो समझ आएगा। तो अल्लाह ने 5 दिनों की बात फरमाई, फिर रब्बे करीम ने 5 मकामात की बात फरमाई है। हज के 5 मकामात क्या है, बैतुल्ला है, सफा मरवा है, मीना है, मुजदलफा है और अराफात है, ये 5। और इसमें 7 किस्म की इबादतों को अल्लाह ने जिक्र फरमाया। जो 7 इबादतें हैं वो ये हैं, एहराम है, तवाफ है, साई है, वकूफ है, रमी है, कुर्बानी है और फिर हल्क और कसर है। ये 7 इबादतें हैं। हज करके बंदा आ जाए, हदीस पाक में है जिसने हज किया हज में कोई गुनाह ना किया, ये आदमी ऐसे लौटेगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ हो, इसके ऊपर कोई गुनाह ना हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसका मफहूम है, अगर सवारी पे चढ़ के हज करोगे तो तुम्हें एक कदम पे 70 लाख नेकी मिलेगी, और पैदल हज करोगे बैतुल्ला से, बैतुल्ला से अरफात, सिर्फ ये पैदल, अपने मुल्क से भी नहीं, बैतुल्ला से अरफात तक अगर ये पैदल आप सफर करोगे तो हर कदम पे 7 करोड़ नेकी मिलेगी, हर कदम पे 7 करोड़। तो पैदल सवाब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अजर और सवाब। कुल मिला के 5 दिन में 80 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, कुल 5 दिनों में चलना है, थोड़ा थोड़ा करके बंदे के 5वें दिन जाकर 80 किलोमीटर पूरे होते हैं। तो जवानी में 80 किलोमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हर कदम पे 7 करोड़ ने किए, अल्लाह हम सबको अता फरमाए। ये बयान फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुर्तदीन के अहकाम, रब्बे करीम ने फरमाया जो मुर्तद हो तो मुर्तद की सजा क्या है। मुर्तद की सजा अल्लाह ताला ने जिम्मा फरमाई है कि मुर्तद की सजा जो है उसको 3 दिन की इस्लामी हुकूमत मोहलत देगी, उसके तमाम एतराजात को खत्म करेगी, और अगर उसके जब तक एतराज खत्म नहीं होते उसे समझाया जाएगा, पर सब कुछ समझाने के बाद भी ना माना तो उसकी सजा सजाए मौत है। लेकिन ये याद रखें ये आपका और मेरा काम नहीं है, ये इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुर्तद की सजा वो उस पर अमल करेगी, आप और हम कलाशन को फुटा के इसकी सजा नहीं दे सकते, अवाम को मना है। इसके बाद हालत हैज, डेज ऑफ द मेंसेस में क्या खावंद अपनी अहलिया के पास जा सकता है या नहीं जा सकता, तो इस बारे में वयस अलूना कानिल महीज, ये डेज ऑफ मेंसेस के बारे में या रसूल आपसे पूछते हैं, तो रब ने जवाब दिया कुल हुआ अजन फातजुलुन निसाफिल महीज, ये पलीती के दिन है, इस पे बीवी से हम बिस्तर होने से बंदा दूर रहे, घर वालों के करीब न जाए। तो अल्लाह ने इसको बयान फरमाया, फिर जब उसके लिए वक्त पाकिजगी आ जाए तो फिर खावंद जा सकता है। ये अल्लाह ने पूरी तरतीब के साथ बयान इरशाद फरमा दिया। इसके बाद अत तलाक मरतान, रब करीम ने तलाक के बारे में अहकाम दिए हैं, जो तलाक
है, फरमाया ये तीन तलाकें हैं, तो दो तलाक अलग जिक्र की हैं, तीसरी तलाक अलग जिक्र की। अब तलाक उमर रतान, फरमाया तलाक दो किस्म की है, ये अल्लाह ने दो अलग जिक्र की हैं। क्यों? कि दो तलाकों के बाद रुजू हो सकता है, तीसरी के बाद रुजू नहीं हो सकता, इसीलिए उसको अलग जिक्र किया। फइन तल्लका फला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तन्किह ज़ौजन गैरह। ये जरा खूब समझ लें, समझने का मसला है। लोग कहते हैं अल्लाह ने दो तलाक का जिक्र किया, मर्रतान दो मरतबा तलाक है। भाई दो मरतबा रब ने अलग इसलिए जिक्र किया है कि दो तलाकों के बाद वापसी हो सकती है, तीसरी के बाद वापसी नहीं हो सकती, उसको अल्लाह ताला ने अलग जिक्र किया। फिर अल्लाह ने इद्दत का मसला बयान फरमाया, वल्लदीन तुवफ्फौना मिनकुम में। इद्दत यह थी कि इस्लाम से पहले शुरू में जो मामला था, एक साल की इद्दत थी, मताअन इलल हौल गैर इखराज, एक साल औरत घर में रहती। लेकिन इस्लाम ने इसको अरबा अशरा जिक्र फरमाया कि अरबा अशहर अशरा 130 दिन, अल्लाह ताला ने इसको जिक्र फरमाया 4 माह 10 दिन जो है, तो ये इस्लाम ने इसकी पूरी तरतीब जिक्र फरमाई। अच्छा, इद्दत पर एक बात जहन में रखें, कुछ लोग समझते हैं कि जब इद्दत में औरत आ जाए तो उसका पर्दा बढ़ जाता है। याद रखें, इद्दत पर्दा बढ़ाती भी नहीं है, इद्दत पर्दा घटाती भी नहीं है। पर्दा इस्लाम में जिनसे पहले था उन्हीं से बाद में, दामाद से पर्दा पहले भी नहीं था, दामाद से पर्दा अब भी नहीं है, देवर से पर्दा पहले भी था, देवर से पर्दा अब भी है। कुछ लोग समझते नहीं इद्दत में औरत के पास नहीं जाना चाहिए, पर्दे के अहकाम में वो इद्दत में है, तो इद्दत में लोग सख्ती करते हैं। इद्दत और गैर इद्दत में पर्दा एक ही है। हाँ, घर से निकलने के मामलात में मसला हो जाता है, शादी ब्याह में ना जाए, वो जो है ना क्या कहते हैं, इस तरह नए कपड़े पहन के खुशी का इजहार ना करे, इद्दत के दिन है। इस दौरान अगर उसे सर में कोई तकलीफ है तो तेल वगैरह वो औरत डाल सकती है, कोई मना नहीं है। डॉक्टर के पास जाना है तो जा सकती है, खावंद की पेंशन के लिए सिग्नेचर करने हैं तो बैंक जा सकती है, तो ये तो गुंजाइश है। लेकिन ये पर्दे के मामलात को समझ जाए। फिर अल्लाह ताला ने तीसरे पारे के आखिर में जाकर जो जिक्र फरमाया वो इद्दत में निकाह के पैगाम देने के बारे में फरमाया। रब्बे करीम फरमाते हैं, वला जुनाह अलैकुम फीमा अरज़तुम बिही मिन खितबतिन निसा अव अकननतुम फी अनफुसिकुम। फरमाया इद्दत में आप निकाह का पैगाम नहीं दे सकते कि खातून की इद्दत पूरी नहीं हुई, आप उसे निकाह का पैगाम दे दें, भाई इसने हमारे साथ शादी करनी है, मेरे बेटे के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे दोस्त के, आप अभी निकाह के मैसेज शुरू कर दें। रब ने इसको हराम और मना फरमाया है, इद्दत के दौरान निकाह का पैगाम नहीं दिया जा सकता। इशारे से बात चलाना और है, इशारे के साथ बात चलाना, लेकिन निकाह का पैगाम इद्दत में देना मना है। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने हजरत तालूत का जिक्र फरमाया, तालूत का, जालूत काफिर था, तालूत मुसलमान थे, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं, तो इन्होंने जालूत को कत्ल किया और जिहाद का हुक्म के साथ अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियां अता फरमाई, तो अल्लाह ताला ने इनका जिक्र फरमाया। और इसी पर दूसरे पारे को अल्लाह पाक ने ख़त्म फरमाया। अल्लाह पाक आपको और हमें कुरान करीम समझने की, समझाने की, अमल करने की और अल्लाह हमारे इस नेकी को कबूलियत की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।